देहरादून घुमाती हूँ। पक्की जय। मैप चल नहीं रहा, भटक गए हैं हम, पहुँच गए बाहर आउटिंग। हेलो हाय शमनी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग ऐसा होने वाला है कि आज हम जाएंगे घूमने के लिए, तो थोड़ा सा देहरादून की आउटिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे मैं एक नया कैफे देखने। तो बस आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा और देखिएगा लास्ट तक ये वीडियो कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, तैयार होते हैं और जाते हैं एक्सप्लोर करने देहरादून को। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को मैं आज फिर से देहरादून घुमाती हूँ और देहरादून के एक नया कैफ़े दिखाती हूँ। ठीक है, तो पहले आप देहरादून के सुंदर सुंदर लोकेशंस का मज़ा लीजिए और देखिए यहाँ की सुंदरता और यहाँ के सुंदर सुंदर रोड। देहरादून का सबसे सुंदर रास्ता राजपुर रोड। मालसी रोड से जो मालसी जाता है वहाँ पे हम आ गए हैं और अभी हमें हमारा कैफे मिला नहीं है, तो आपको दिखाती हूँ कैफे है कहाँ पे। ठीक है चलिए। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग जाते हैं डियर पार्क जो हमारा देहरादून का फेमस जू है ये देखिए, और हमें जाना इस रोड पे आगे। लगभग सनसेट हो ही चुका है, सामने देखिए सनसेट नज़ारा। और ये है यहाँ का उसका ढाबा पे। दोस्तों हमें लगा शायद राजपुर रोड चौक पे होगा वो कैफे, बट राजपुर रोड चौक पे भी नहीं है ये, तो सीधे हम आ गए हैं अभी मालसी चौक, मालसी डियर पार्क से आगे हम आ चुके मसूरी रोड पे, बट हमें कैफे अभी तक मिला नहीं है। तो बस जल्दी से मिल जाए कैफे ताकि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूँ जल्दी से, है ना। चलिए एक्सप्लोर करते हैं एक और देहरादून का नया कैफे। तो अनुषा परमार के चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी हम ढूंढ रहे हैं कि वो कैफे है कहाँ पे। तो ओवरटेक बहुत करते हैं यार इस रोड के लोग ना। द बैंड KFC दोस्तों हमारे गूगल मैप चल नहीं रहा है और अभी फिर से हम सर्च करेंगे कि वो आखिरकार है कहाँ पे। अभी हम लोग हैं मासी पुलिया रोड पे, अभी हम लोग हैं मसूरी वाली रोड पे और हमें लोकेशन मिल नहीं रही है, तो हमें फिर ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है वो। बट ये सुंदर सुंदर कैफे है ना यहाँ पे, आप लोगों को दिखाऊँ, दिखाती बैक कैमरे से। ठीक है देखिए पाइन दी डाई नहीं पिन्नी दी क्या लिखा हुआ यार मेरे आँख का बुजुर्ग, पैनी द डाई ऐसा कुछ। कहाँ पे आगे और दिखा रहा है ना, तो हमें अभी पता लगा है कि 3 मिनट और आगे हैं। चलिए चलते हैं फिर आगे कहाँ पे होगा। ये है चौक हमारे आगे से। बहुत ही सुंदर हमारे देहरादून के रास्ते हैं ये। कितनी गलत जगह से मोड़ काट रहा है वही, तो मतलब बीच मोड़ पे मोड़ काट रहा हूँ, मतलब मोड़ पे मोड़ काट रहा है। ये भी सुंदर सा कुछ यहाँ पे लैंप लाइट है, यहाँ बहुत कैफे बन चुके हैं ना इस रोड पे। सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रही है लाइट से। अरे तो हम सीधे शिव मंदिर पहुँचने वाले हैं। हर हर भोले जय भोले भोले बाबा की जय। ये हमारा देहरादून का सुंदर सा शिव मंदिर। हर हर गूगल मैप पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, मैप से मेरे घर का दिखा रहा था वो 30 मिनट का रास्ता। ये देखिए देहरादून चलो बहुत दूर है। तो दोस्तों हम तो भटक गए, पर ये पीछे हमारे पीछे शिव मंदिर देख लीजिए और ये देहरादून का नज़ारा देख लीजिए। ठीक है तो ये देखिए शिव मंदिर का नज़ारा, तो ये हमारा सुंदर सा देहरादून का नज़ारा। ऊंचा ऊंचा देख के ना डर लग रहा सही में। अब तो मसूरी
मैगी पॉइंट पहुंच चुके हैं, बट यहाँ इतनी लाइट्स क्या लग गई है। ये गाड़ी वाला कहाँ जा रहा है उसके नारे पापा। गॉड दोस्तों हम भटक गए हैं और थर्ड कल्चर तो हमें मिला नहीं, बट तुम्हारा फोर्थ कल्चर में हम चले गए। बड़ा फोर्थ कल्चर फोन निकलने वाला है यहाँ। ये गूगल मैप हमें गलत क्यों दिखाता है, हमको तो इतना आगे आ गए ना। अब हमें फिर वापस जाना है, वो शायद DIT के आसपास कहीं है बोल रहे हैं, और हम आगे मसूरी बाईपास तक अपोजिट पेस्टल वीड कॉलेज मालसी। मालसी तो दिखा रहा था ये भी, हाँ मालसी तो आगे वाला, ये तो मैगी पॉइंट हो गया। अब मैप अभी बोलेगी 3 किलोमीटर और आगे जाओ, बताओ अब बोला वापस दिखा, अब दिखाते हो अब दिखा रहा इस साइड जाओ, मतलब ऐसा बुद्धू बना देना मैप पे तो कभी ट्रक। तो पेस्टल वीड है वो, ठीक है। चलो दोस्तों फिर हम वापस जाते हैं, हम बस मैगी पॉइंट की हवा खाना आए थे। एक्चुअली बहुत दिनों से घर में बैठे थे ना, तो पहाड़ों की हवा नहीं खाई थी, तो हम बस यहाँ तक पहाड़ों की हवा खाने आए थे। और अब हम चाहते हैं कि हमें बस हमारा आज जो ये नया कैफे है वो हमें मिल जाए। चलो दोस्तों चलते हैं आगे, होप फॉर बेस्ट। तो दोस्तों घर से जितनी जल्दी निकल जाओ, पहुँचते पहुँचते लेट होना ही होना है, और अभी भी हम लोग नहीं पहुँचे हैं। और ये दिखा रहा है 550 मीटर अभी हमें, देहरादून के यहाँ। तो ये देखिए यहाँ देहरादून का फेमस 5-स्टार हयात रीजेंसी, जहाँ दोस्तों अभी भी नहीं पहुँचे, अभी भी ये दिखा रहा है 240 मीटर दिखा रहा है फाइनली। हम निकल गए थे घर से 5 बजे और ये दिखा रहा है पेस्टल वीड के अपोजिट। ये रहा पेस्टल वीड, दोस्तों हमें मिल जाए हमारा कैफे आज का। ओ गॉड मिला था पेस्टल, लिखा हुआ है एक सेकंड मुझे देखने दे। ये थर्ड कल्चर बाय, ओ माय गॉड ये तो दिख भी नहीं रहा है थर्ड कल्चर लिखा। फाइनली हमें ये दिखाई, फाइनली ये है हमारा थर्ड कल्चर कैफे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं भटक भटक के द थर्ड कल्चर, जिसका नाम भी आपको दिखाई नहीं देगा, पूरा हमारा मेकअप निकल गया है। और बड़ी मुश्किल से कैफे मिला सबवे के बगल में, तो अभी आपको मैं अंदर ले जाती हूँ, बस बबी दी को भी आने देते हैं, फिर हमको दिखाती हूँ आपको न्यू कैफे। तब तक हम लेट तो वैसे भी हो ही गया है दोस्तों, है ना। तो आज हम आए हैं देहरादून का एक नई कैफे देखने। आज का व्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि यहाँ पे कैसा है ये थर्ड कल्चर जो दिल्ली बेस्ड कैफे है हमारा, और कैसा यहाँ क्या क्या यहाँ की स्पेशल मेन्यू है, क्या क्या यहाँ पे खाना है, क्या क्या इनके प्राइस है। तो पूरी डिटेल में इस कैफे में पूरी डिटेल में इस व्लॉग में दूंगी, तो आप मेरे व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ओके दोस्तों तो हम पहुंच चुके हैं कैफे में, ऑर्डर करते हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ पे यहाँ की जो स्पेशल है, ये है आइस टी 6 और ये है एक्स्ट्रा थिक्स 4679 एंड मीटर लॉन्ग, अब मीटर लॉन्ग डिपर सैम्पलर 879। तो हम ये ट्राई करते हैं और ये ट्राई करते हैं, ठीक है। ये हमारा स्पेशल प्लेट, तो पूरी टेबल ही आ गई हमारी प्लेट में इतनी सब चीजें देखिए। ओके अब हम ट्राई करते हैं, बताते हैं कि कैसा है, ठीक है। ये तो पूरा एक ही फ्लेवर का है क्या? तो ये हमने मंगाया है, ये अब हम अपने प्लेट में लेते हैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा। ये दो स्प्रिंग, तो अब मैं बताती हूँ आप लोगों को टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे ये स्प्रिंग रोल, टेस्टी मस्त, क्रंची हो रहा है ना।
फर्स्ट थिंग मैंने ट्राई की। अब हम ट्राई करते हैं ये पनीर टिक्का ना, पनीर टिक्का आलू आलू टिक्का है। ये मैं ट्राई करूंगी क्योंकि मुझे सबसे ट्राई करके बताना होता है दोस्तों को। ट्राई करने के लिए पूरा खाना जरूरी थोड़ी है। वही तो सही बात, मैं पूरा ट्राई जरूर करूंगी दोस्तों। मुझे फिर दोस्तों सब इसमें एक्चुअली तीन पीस है, हमें यहाँ पे चार। ये बहुत टेस्टी है, ये तेरा मतलब कैसे ये भी खा ले। खा ले, बर्बाद नहीं करते, खा ले जल्दी पूरा। अरे टूथपिक निकाल के खाते हैं यार, इसको निकाल के खाते हैं। अरे ये पता है? नहीं पता। मेरी बब्बी बहन क्या खा रही होगी? हे बाबा। और ये दोस्तों इसकी बर्थडे पार्टी आज। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। ये पूरा हो गया खाली, अब बस यहाँ पे ये बचा है। बब्बी दीदी ये भी खाली करना है पूरा, समझे? सो नहीं खा जल्दी, एक कुछ नहीं बनना चाहिए प्लेट में। ये देखना यहाँ पे दोस्तों, अब मैं ट्राई करती हूँ ये शेक। वो जो जिसने केवल वो है तो खत्म हो गया। बार में और वो सब कुछ तो क्या पता दोस्तों, क्या जो इन्होंने ट्रायल पैक बनाया ना, बहुत बेस्ट। आप बड़ा वाला कप नहीं पी सकते हो, मग नहीं पी सकते हो, तो ट्रायल पैक क्या। तो दोस्तों चैलेंज तो हमने ले लिया है कि हमने एक लार्ज पिज़्ज़ा मंगा लिया है, लेट ही हम लोग खा पाते हैं कि नहीं खा पाते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत कुछ खा लिया और आज सब कुछ बहुत ही टेस्टी था। आप आराम से आके ऑर्डर कर सकते हो। ये जो न्यू प्लेट प्लस जूसर सिस्टम है ना, वो है ना। चलिए वेट करते हैं अपने पिज़्ज़ा का। दोस्तों वैसे तो हमारा पेट फुल हो चुका है, बट कुछ तो ऑर्डर करना पड़ेगा ना। पिज्जा खाए बिना कह जाता नहीं यार, अभी थोड़ा वॉक करके आते हैं। चलो पिज्जा तो ऑर्डर करना पड़ेगा ना, बाहर बैठ गए हैं, बाहर बैठ गए पिज्जा, अभी हमारा पेट फुल चुका है ना, ऑर्डर करना पड़ेगा। तो हमने शेक, मैंने पता तीन कप शेक, क्योंकि मुझे शेक बहुत पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पिज्ज़ा है। इसमें एक है पनीर, कैप्सिकम, कॉर्न एंड टोमेटो है। हर उसमें से एक एक ट्राई करेंगे हम अभी। ठीक है, तो पहले हम ट्राई करते हैं ये पनीर पिज्ज़ा, जिसके नीचे बेस बिल्कुल भी नहीं है। बेस तो है पिज़्ज़ा, बट रियल पिज़्ज़ा वाला टेस्ट नहीं है। ओके ओके, बिलिंग टाइम। ओके दोस्तों, खाना खा लिया, बिल भी पे कर दिया, टाइम टू पैकअप। हम जाते हैं घर, और बहुत अच्छा रहा कि आपका कैफे और बहुत टेस्टी था, सब कुछ बहुत टेस्टी। आप सब कुछ ट्राई कर सकते हो यहाँ पे आके। बस हम जाने की तैयारी करते हैं, बाय बाय। ये था हमारा कॉर्नर। ओके दोस्तों, तो हम गए थे आज द थर्ड कल्चर, जिसके ये बाहर आउटिंग एरिया था और हम अंदर बैठे थे, जिसके आपने वीडियो देख लिया। कैसा लगा आपको व्लॉग, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय, थैंक यू यार। ये
खा लिया।